फिल्म पद्मावत को लेकर देश भर में हंगामा जारी है। रानी पद्मावती की मर्यादा और प्रतिष्ठा को लेकर लोग परेशान हैं, लेकिन क्या यही लोग अपने आसपास की महिलाओं के सम्मान के लिए भी इतने ही परेशान होते हैं? आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में समाज महिलाओं के साथ किस तरह से व्यवहार करता है। फिल्म पद्मावत में रानी पद्मिनी के चित्रण पर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और राजस्थान में सवाल उठाए जा रहे हैं। सेंसर बोर्ड ने फिल्म के निर्माताओं से कहा है कि एक गाने में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की कमर नहीं दिखनी चाहिए और अब इसे VFX से छुपा दिया गया है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पद्मिनी के सम्मान को बचाने के लिए जान की बाजी लगाने वाला यही समाज अपनी औरतों के साथ होने वाली हिंसा के खिलाफ कुछ नहीं करता। कोई आंदोलन नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं। अगर ये लोग अपने आसपास मौजूद महिलाओं के सम्मान के लिए भी इतने परेशान होते जितने रानी पद्मिनी के सम्मान के लिए, तो शायद महिला अपराध के आंकड़े इतने खराब नहीं होते। सरकारी संस्था NCRB के ताजा आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ कुल अपराध का आंकड़ा है 26,743 और राजस्थान में 27,456। साल 2016 के आंकड़ों के अनुसार देश में महिला अपराध के मामले में राजस्थान चौथे और मध्य प्रदेश पांचवें स्थान पर है। दहेज के लिए मारी जाने वाली महिलाओं की संख्या MP में 629 है और राजस्थान में 462। MP में एसिड अटैक के 4 और राजस्थान में 2 मामले दर्ज हुए हैं। पति या ससुराल वालों द्वारा MP में 6,264 और राजस्थान में 13,814 महिलाओं ने क्रूरता का सामना किया है। इन मामलों के खिलाफ किसी करनी सेना या दूसरी सेना ने कोई विरोध नहीं किया। MP में 4,994 और राजस्थान में 4,028 महिला अपहरण के मामले सामने आए हैं। इनमें से MP में 1978 और राजस्थान में 1969 महिलाओं को जबरदस्ती शादी करने के लिए अगवा किया गया, करनी सेना फिर भी चुप रही। महिलाओं की तस्करी के MP में 36 और राजस्थान में 1 मामला सामने आया है। MP में रेप के 4,908 और राजस्थान में 3,657 हादसे सामने आए हैं। इनमें से MP में 226 और राजस्थान में 366 मामले गैंग रेप के थे। MP में सिर्फ 93 और राजस्थान में 30 अपराधी ऐसे थे जिन्हें पीड़ित नहीं जानती थी, बाकी उनके रिश्तेदार, दोस्त या परिवार के लोग थे, लेकिन किसी तरह की कोई सेना ने इनके बचाव में आंदोलन नहीं किया। MP में 64 और राजस्थान में 340 महिलाओं ने उन पर रेप की कोशिश के मामले दर्ज कराए। MP में महिला उत्पीड़न के 8,720 और राजस्थान में 4,842 मामले सामने आए हैं। इसमें से MP में 3,129 और राजस्थान में 483 मामले यौन उत्पीड़न के हैं। पीछा करने के 820 मामले MP में दर्ज हुए और 80 राजस्थान में, लेकिन करनी सेना ने कुछ नहीं किया। विशेष और स्थानीय कानूनों के तहत संज्ञेय अपराधों की संख्या MP में 190 और राजस्थान में 123 है। इस श्रेणी में घरेलू हिंसा, जबरदस्ती वैश्यावृत्ति आदि आते हैं। इन सभी अपराधों में सजा पाने वाले लोग MP में 6,199 और राजस्थान में 4,159 थे। आंकड़े काफी भयावह हैं और ये कई सवाल छोड़ते हैं। क्या ये समाज के लिए शर्म की बात नहीं है कि एक काल्पनिक फिल्म में महिला के चित्रण से आन बान और शान को धक्का लगता है, लेकिन हमारे आसपास जीवित महिलाओं की बदहाली, उनसे बदसुलूकी और उनके खिलाफ हर रोज हो रही हिंसा के खिलाफ कोई सेना खड़ी नहीं होती? साधिका तिवारी, गो न्यूज़।